इतने हम्बल हैं माशाल्लाह क्या से। बात है। और जब भी जलाल हमने हाँ जब भी ऐसे इतने ऊंचे लोगों को अपने स्टूडियो में दावत की है, हाँ मुझे लगता है कि सारे जो इतने ऊंचे पहुंचे हुए सभी इतने हम्बल, यू नो इतने डाउन टू अर्थ हैं, खैर ऑफ कोर्स ये माशाल्लाह से अच्छा लगता है जी जब जी ऐसी ये लोग बातें करते हैं। यू नो अब जो उस्ताद जो तारी तबला साहब जी, उनका हमने इंटरव्यू किया था फर्स्ट टाइम, फिर हमारे जो आज कम्युनिटी के बड़े बहुत बड़े सिंगर कमाल ताज दो हफ्ते पहले उनका हमने किया, आप हैं एक दो और जो बड़ी बड़ी जो है हस्ती जो कि अपना पिछली बार जो आए थे हर्षित भाई कौन थे जिनका अपना हुआ था वहाँ पे माउंट रोड में हुआ था कौन थे पंडित योगेश योगेश जी, उनका भी यही कहना है कि नहीं हम तुम सीख रहे हैं क्या, और उनका यू नो तो ये क्या लाइक जो आप जो इतनी पहुंची हुई हस्तियाँ हैं तो ये क्यों है लाइक आप सबका एक ही जवाब है उस सब जो है कॉमन यही है कि अब तो हम सीख रहे हैं अभी तो हमने सीखा भी नहीं हाँ, पूरा तो बहुत क्या ऐसा है क्यों वाई क्या ये इसके लिए ऐसा है कि पहले तो हम ये सोचें कि संगीत या मौसीकी कह लें उसको उसको हवा में गिरा मारने वाली बात है तो हवा में गिरा तो बांधी नहीं जा सकती सही बात हम कोशिश उसकी करते हैं तो इसमें कब कामयाब हों कब ना हों इसका पता नहीं होता तो ये और ऑलवेज ऑन अ वेरी अनसर्टेन प्लेन क्या बात सो यू डोंट नो कि ये होगा या नहीं होगा आप कोशिश कर रहे हैं अब हो जाए तो रब की मेहर समझें या खुदा का यू नो वो समझें कि वो करम है तो और मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे उस्तादों का करम है मुझ पर तो जो भी मुझे थोड़ा सा जो भी आता है तो वो बस वो करम कर देते हैं उनकी दुआएं हैं मुझे तो मैं कामयाब हो जाता हूँ कामयाब क्या हो जाता हूँ मतलब आपको अच्छा लग गया कामयाबी तो शायद मिलेगी कभी मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी आप शादीशुदा हैं आपके बच्चे हैं हाँ जी तो आप उन कितने बड़े हैं और वो मौसीकी में शौक रखते हैं हाँ रखते हैं जी मेरा बेटा है जी तो फजले अली जी वो कर रहा है कोशिश कर रहा है कितनी उम्र का अभी 22 साल का ही है 22 साल का माशाल्लाह तो अभी कोशिश है उनकी जी तो आप उनके उस्ताद हैं कि कोई जी हाँ मैं उससे ही सीख रहे हैं वो और भी मतलब ये कि जहाँ हमारा तो कहने का मकसद यहाँ से अच्छी चीज़ मिल जाए उसे फौरन ले लो सही सही तो अगर ऐसा है तो क्यों नहीं क्यों नहीं जी तो माशाल्लाह से पश्तों से चला आया है तो कोशिश तो यही है जी, जी, जी। अभी पता नहीं कितनी जनरेशन डाउन द लाइन हम लोगों ने मौसीकी की जो है खिदमत करी है और करते आए हैं अब तक तो हम लोगों ने कोशिश की कि उसको हम बचा के रखें और बड़ी जिम्मेदारी है बेटे के अलावा भी मेरे बहुत शागिर्द हैं जिन्होंने ये हमारे से सीख के जो है ये आगे बढ़ रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा गा रहे हैं सब तो इतना बुरा नहीं है कि जो हमें लग रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं ये समहाउ जो है ऐसी जगह पे जाएगा कि जहाँ ये बच जाए एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू गिव इट टू द नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी सो दे विल टेक ओवर एंड दिस विल लिव ऑन हमारा ये कितने कितने सालों से चलती आई है और ये खत्म नहीं हुई है हजारों साल की तहजीब है सर हजारों बहुत साल और इंशाल्लाह ये चलता ही रहेगा आप जैसे लोग अगर इसको रखेंगे जिंदा तो हमेशा हाँ खुदा ने कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही रखा है ये जिंदा रह जाएगा इंशाल्लाह जरूर जब तक है हम लोग जब भी आपको जवानी की उम्र में थे जब भी आप सीख रहे थे और अपना शुरू हो गया था आपका एक काम जवान तो खैर मैं कहने वाली थी जलाल कैसी बातें कर रहे हो मेरे से ये गुस्सा तो अभी आएगी अभी गुस्सा ही होगा मेरा मतलब ये था कि जब आपने सीखना जो आपने कॉलेज लाए कॉलेज में तो यू नो तो वो आपको म्यूजिक से जो है क्या मिलता था इसलिए कि उस वक्त यू नो वेल आई एम श्योर कि बहुत सी चीज़ें थी कि जिससे आपको जो सुकून मिल जाए जो है अपना जो क्रिकेट खेल लिया या तो अपना मूवीज देख ली तो आपको ये म्यूजिक ऑफकोर्स आपने ये सुना जो चुना तो आपको इसे क्या मिलता है पहली बात ये कि मेरे वालिद साहब को जब मैंने परफॉर्म करते हुए देखता था बचपने से मैंने दादा को भी मैंने सुना है जी तो दादा को जो सुना तो खैर उस वक़्त तो मैं बहुत ही बच्चा था मगर ये कि उस वक़्त ये था कि एक शहर सा बन जाता था एक जादू सा हो जाता था क्या बात है तो मगर मैंने जब अपने वालिद साहब को देखा और वो इतने खूबसूरत लगते थे बहुत ही खूबसूरत आदमी थे और जब वो गाते थे तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगते थे तो मेरा भी यही चीज़ चाहता था कि मैं भी कुछ ऐसा ही बनूँ तो इसलिए म्यूज़िक मैंने किया
और जैसे कि आपने कहा कि लोग जो है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्रिकेट खेलते हैं या और भी दुनिया भर की चीज़ें, हाँ, तो मेरा वाकई ये होता था कि अगर मैं 3 घंटे या 4 घंटे रियाज कर लेता था तो मुझे बड़ा सुकून महसूस होता था। तो ये भी एक वजह है कि अपने आप को खोजने की, हमारे उस्ताद कहते थे कि भाई पहले अपने आप को तलाश करो। बिल्कुल सही बात, नो डाउट। तो अपने आप को अगर तलाश करके तुमने अपनी मौसिकी में डाला इसको, तभी कुछ होगा, तभी होगा। इसमें भी बड़े बहुत सी बातें हैं। एक तो ये होता है कि भाई आपने कुछ सुना और आपने कॉपी कर ली और आपने गाने लिए, लेकिन अपने आप को तो नहीं है, आप तो एक मैकेनिकल रिप्रोडक्शन कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ की, लेकिन वो मौसिकी नहीं है। मौसिकी वो होती है जो अपने आप को खोजें और उसमें अपने आप नजर आए कि हाँ भाई ये है। और क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने बड़े लोग, you know, I'm bearing so many crosses on my shoulder and on my head. So, एक उनसे तारीफ करवाना जिन्होंने उनको सुना हुआ है, उनको सभी सुनते हैं, आज भी सुन रहे हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब तो जिंदा ही हैं, बरकत अली खान साहब भी जिंदा है, मुनव्वर अली खान साहब भी जिंदा है, लेकिन लोगों के दिलों में उनके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो जब हम गाते हैं तो वो सीधा हमारा कंपेरिजन जो है वो इमिजिएटली उनसे ही होता है। तो ये भी मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि मेरे को और किसी से कंपेयर नहीं करके मेरे बुजुर्गों से ही मुझे किया जाता है, मगर इसके साथ में ये बड़ा चैलेंजिंग काम भी है। सही बात, जी बहुत ज्यादा है, लाइक यू हैव टू वर्क इट अप, यस, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, या दैट्स राइट। तो ये टू कैरी अ थिंग ऑन योर शोल्डर, या इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी एंड यू हैव टू हैव। हम लोग तो ये बोलते हैं कि गुलाम अली खान साहब का पोता होते हुए गाय का कलेजा चाहिए, क्या बात। इसलिए कि इतने वो आएंगे वहाँ से, क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस इतनी जल्दी तो नहीं मिलने वाली है, तो जो कंपैरिजन रहेगा ये रहेगा वो, सो इसके लिए तैयार भी होना है, ये भी है, मेंटली आपको बड़ा टफ भी होना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। दैट्स राइट, इसलिए वो जो यानी एक तरह की वो जो एक्सपेक्टेशंस है इतनी हाई है ऑलरेडी, बिल्कुल हाई है, यू हैव टू गो इवन, यस, मेंटली आपको टफ करना पड़ेगा और आपको ये बिलीव करना है कि अपने आप में कि नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही है। और आपको वो उनकी जैसे कहते हैं ना, यू हैव टू टेक एवरी क्रिटिसिज्म विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यस, वो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी पहले उसको हम लोग वैसे देखते हैं कि वेदर ये सही है या नहीं, फिर अगर ऐसा महसूस नहीं होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आपकी मर्जी, आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये करना पड़ता है जी। तो आपके जो बेटे लोग हैं तो वो कैसा फील करते कि उनके परदादा इतने बड़े, इतनी बड़ी हस्ती थे? ये काम तो मुश्किल है, लोहे के चने हैं, लोहे के चने हैं, बड़ा काम है, बड़ा काम करना पड़ेगा, और अपने आप को टोटली जिसको बोलना चाहिए कि इमर्स कर देना इस काम में, और डेडिकेशन टोटली होनी चाहिए, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, बिल्कुल ये फुल टाइम जॉब है और फुल टाइम प्रैक्टिसिंग है, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस जब करते हैं तो उस वक्त तो आपको सपोर्ट चाहिए, तो वो उस्ताद जब तक ना हो, मिसाल के तौर पर आपको स्ट्रगल तो आप नहीं कर रहे, पहले तो आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आप स्ट्रगल करेंगे, बिल्कुल सही बात, फिर जाके कहीं आप अपना थोड़ा थोड़ा नाम आपका होगा। ये बड़ी टफ जर्नी है, इतना आसान काम नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं था आपकी बातें, तो अब जो लोग क्लासिकल म्यूजिक में शौक रखते हैं, मुझे लगता है कि आई होप कोई एक बंदा भी अगर सुन रहा होगा और उससे आपको आपको सुन के उनके अंदर ये पैदा हो उनके अंदर, तो मुझे लगता है कि आपने आप हमारे स्टूडियो में आकर आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। बिल्कुल यकीनन, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं गा रहा हूँ, अगर एक आदमी भी कहीं सुन रहा है और उसको महसूस अगर हो गया तो हमारा काम, यही मैं कहना चाह रही थी कि अगर एक भी कोई इस वक्त नहीं, मैं इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कैलगरी में बहुत मौसीकी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मेरे कलीग्स जो भी आते हैं यहाँ पर वो बड़ी तारीफ करते हैं यहाँ के सुनने वालों की, और उससे पहले भी हम सुनते आए हैं, तो आई एम श्योर यहाँ पर बड़े सुनने वाले कदरदान लोग हैं। हमारे हिसाब में तो बड़े गुलाम अली खान साहब भी बैठे हैं, हम से बैठे सामने, तो हमारा लिए तो उनके परपोते सही, मगर उनकी आवाज हमारे सामने, बिल्कुल क्या बात है, क्या बात है, हम खुशकिस्मत है, जी जी जी, ऐसे लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं हमारे शहर में, हमारे मार्ग शहर में, हम बहुत लकी हैं।
लकी बहुत लकी ऊपर वाला सुन रहा है हमारे उन्हें सब तंबर को फिर सबको आना चाहिए जी 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 तो उस्ताद साहब आप इंडिया में भी क्या करते हैं कलकत्ता से आ गए तो अभी आपकी मसरूफियत वहाँ पे क्या है आप कोई स्कूल चलाते हैं कि क्या करते नहीं मैं स्कूल तो नहीं चला स्कूल हम लोग कभी भी नहीं चलाते हमारे पास में गुने चुने जो होते हैं शागिर्द जी जी जो डेडिकेट करना चाहते हैं अपने को म्यूजिक में वो सब लोग जो हैं वो आके सीखते हैं मेरे पास पर्सनली तो मेरे घर में आके सीखते हैं तो तकरीबन वो 50-60 लड़के हैं लड़कियाँ वो आती हैं प्लस मैं वहाँ पर जो वेस्ट बंगाल स्टेट म्यूजिक डिपार्टमेंट है वेस्ट बंगाल म्यूजिक स्टेट उसका मैं जो मेंबर हूँ कोर कमेटी का तो उसकी वजह से ये कि वहाँ भी हमारी क्लासेस होती हैं वो उन लोगों के लिए होती हैं जो उन्होंने स्कॉलरशिप्स विन किए हैं उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग के वास्ते मैं वहाँ पर तो बाहर से लोग आते हैं सीखने के लिए वहाँ हाँ ऑफ कोर्स ये तो एक गवर्नमेंट का इदारा है इट्स अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सो दे हैव नाउ स्टार्टेड दिस फॉर लास्ट 3 years उन्होंने ये ट्रेनिंग सेशंस किए हैं फॉर देयर स्कॉलर्स एंड दोज हु हैव यू नो गॉट ग्रांट इन द कंपटीशन लेवल दोज़ हु हैव वन उन लोगों को वो लोग सेलेक्ट करते हैं फिर हमारे पास भेजते हैं फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि वेदर ये हम कर सकते हैं इनके साथ हाँ तो उनको फाइनल एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स वो मैं बताता हूँ वहाँ पर और बाकी टाइम मैं परफॉर्म करता रहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड जी तो अभी आप अमेरिका में जाने वाले हैं जी इसके बाद मैं अमेरिका जाऊँगा तो यहाँ पे कैनेडा में खाली यही शो है कैलगरी में ये खाली नहीं टोरंटो में भी वैनकूवर में भी अभी बोल रहे हैं लेकिन मैं लेट मी सी हाउ आई विल एडजस्ट दैट टाइम बिकॉज मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये प्रोजेक्ट जो है बहुत लंबा है तो इसमें बहुत टाइम चाहिए बट लेट सी हाउ इट गोज क्योंकि हरजीत जी यहाँ पर हैं वो संगीत की इतनी सेवा करते हैं और उनको देख के ऐसा महसूस हुआ कि ये जो है ना एक बड़ी नेक दिल इंसान है और ये बड़ी डेडिकेटेड ये है और मैं कैलगरी में ही हूँ तो मैंने कहा एक शाम यकीन आपके लिए हम जरूर हाजिर 19 तारीख को मैं हूँ यहाँ पर ये तो जो 19 तारीख जो शो हो रहा है उस पर तो 4 चांद लगे आपके हाँ बहुत ही जबरदस्त शो होगा 19 तारीख को शाम को 7 बजे जो कि अपना यूनिवर्सिटी ऑफ जी कैलगरी में है और जो कि अपना सैटरडे का दिन में जिसमें हमारे साथ रजा अली खान साहब हैं और रुचिरा पांडे जी हैं मिश्रा सिंह पंडित रमेश मिश्रा जी पंडित रमेश मिश्रा रमेश मिश्रा मिश्रा जी रमेश मिश्रा जी जो कि अपने सितार पे होंगे और उस्ताद सारंगी सिंह जो कि अपना तबले पे होंगे और खाली 25 की टिकट है खाली 25 तो उस्ताद साहब जो हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं जो नए जो बनने वाले सिंगर्स बनने वाले क्लासिकल हो या कोई और भी हो या तो भले कोई भी फील्ड में भी तो उसके लिए क्या मैसेज है आपका अभी जैसे म्यूजिक में हो तो ऑफकोर्स आपको रियाज करने की जरूरत है उसका फायदा क्या है थोड़ा